तेलंगाना में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। यहां पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति में फूट जारी है। गुरुवार को आधी रात के बाद करीब 1 बजे बीआरएस के 6 विधान परिषद सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए। इन्हें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार के बाद 6 विधायकों सहित कई नेता बीआरएस पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर बीआरएस के 6 एमएलसी के कांग्रेस में शामिल होने पर इसे पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं 2 दिन पहले भी बीआरएस को बड़ा झटका लगा था, जब पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद के केशव राव कांग्रेस में शामिल हो गए। नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में के केशव राव ने कांग्रेस का दामन थामा था। वो पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन बाद में केसीआर के साथ जाकर बीआरएस का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी में शामिल हुए बीआरएस के 6 विधान परिषद सदस्य दांडे बिठल, भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर, बोगो रापू दयानंद, येगे मलेशम और बसवा राजू सैरिया है। इन 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से विधान परिषद कांग्रेस का कुनबा बढ़ गया है। दरअसल तेलंगाना विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में बीआरएस के पास 25 सदस्य हैं और कांग्रेस के 4 सदस्य हैं। 4 सदस्यीय विधानसभा में 4 मनोनीत सदस्य भी हैं, AIMIM के 2, भाजपा और PRTU के 1-1 और 1 निर्दलीय सदस्य भी हैं, जबकि 2 सीट खाली है। रेवंत रेड्डी के गुरुवार रात राष्ट्रीय राजधानी की 2 दिवसीय यात्रा से लौटने के तुरंत बाद ये सदस्य कांग्रेस में शामिल हुए। बीआरएस के 6 नेताओं के कांग्रेस में शामिल हो जाने से तेलंगाना की विधान परिषद में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 10 हो गई है।